आज से महीनों पहले रंगापानी के SBI बैंक से करीब 2 से 3 करोड़ की हेरफेर हुई थी, जिसमें रोज कमाकर खाने और मेहनत से पैसा जमा किए लोगों का पैसा लेकर एक युवक एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। इस घटना को लेकर महीनों पहले जमकर विरोध प्रदर्शन स्थानीय निवासियों द्वारा की गई थी। बताया गया है कि उस वक्त 15 दिन का समय मांगकर बैंक वालों ने स्थानीय निवासियों को उनका पैसा वापस करने का आश्वासन दिया था। 15 दिन बाद जब वो वापस गए तो फिर और 15 दिन की मोहलत मांगी गई, लेकिन अभी तक उनका पैसा वापस नहीं हुआ, जिससे परेशान स्थानीय निवासी आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बैंक वालों ने उन्हें कहा कि एक एक कर उन्हें बुलाया जाएगा और उनकी समस्या हल कर दी जाएगी, लेकिन करीब 1500 लोगों का पैसा डूबा है। एक एक कर बुलाने पर करीब 5 साल बीत जाएंगे, ऐसे में उनकी समस्या का हल नहीं होगा। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 1000 से 1500 रंगापानी निवासियों का पैसा उस बैंक में काम कर रहा एक युवक लेकर फरार हो गया और सभी रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। उक्त प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक उनका पैसा वापस नहीं लौटाया जाएगा, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ভোটের সময় সরকার পায়ে ধরে ধরে ভোট চাইতে আসে, পাবলিকের কষ্টের সময় কোনো সরকার নেই, আজকে সব সরকার ইলেকশনে ব্যস্ত, তাহলে আমরা ভোট দেব কেন? আমরা ভোট দিচ্ছি কেন আজকে? কেন আমাদেরকে দেখবে বলে? আজকে কোন সরকারের চোখ নড়ছে না, হ্যাঁ গরিবের আজকে কষ্টের টাকা আর ফেরত পাচ্ছি না, এরকম সরকার তাহলে আমাদের প্রয়োজন কেন? তাহলে ভোট ছাড়া সরকার করবে আমরা? আমাদের কোনো ভোট দেব না, আমরা ভোট বন্ধ করে দিতে চাই। কারো খবর যায়নি, কোনো